हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो रियो कर रही है यहाँ पे क्लैपिंग, क्योंकि आज है उसके मम्मा का बर्थडे और उसने आकर मुझे जगाया है। वही मुझे जगाती है और रात को भी वो लेट से सोती है और सुबह जल्दी उठ जाती है। मेरे से पहले वही उठ जाती है। मेरा तो उठने का सुबह सुबह मन ही नहीं करता है, फिर भी उठना पड़ता है बेबी के लिए। मेरा ऐसा मन कर रहा है ना कभी उसको लेकर मैं सो जाऊँ, मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रहा है। तो देखिए कैसे मुझे हटा रही है। मैंने सोचा कि इसको लेकर सोते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसको लिटाया और मैं भी सो गई। इसके बाद इसने ऐसा रोना रोया ना कि मेरा नींद को सो दुर्भाग्य चुप ही नहीं हो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। फिर इसे बाहर लेकर जाना पड़ा, थोड़ा सा मैंने घुमाया तब जाकर चुप हुई। इसके बाद रियो की मासी ने उसे ले लिया और मैं फ्रेशन अप होने लगी, अपना ब्रश व्रश करने लगी, क्योंकि फिर रियो को मैं रखती हूँ तब वो फ्री होती है। ऐसे ही हम लोग, मम्मी जब रखती है तो हम लोग फ्री होते हैं, ऐसे ही हम लोग करते हैं। फिर मैंने कर लिया अपना ब्रश, उसके बाद मैं आगे रियो का टंग क्लीन करने, क्योंकि इसके पास तो अभी टूथ ही नहीं है। जब टूथ आ जाएगा तो इसको भी मैं ब्रश कराऊंगी। तो मैं इसका कर रही हूँ टंग क्लीन। इसे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। और बस 25 रुपये में ही देता है। मैं इसको अपना टंग बाहर निकाल कर बता रही हूँ कैसे निकालूँ, ताकि यह मेरा नकल करे। बट काफ़ी समझदार है रियो, गंदी बातें नहीं सीखती। देखिए टंग नहीं निकाल रही है। अब रियो ने बोला कि मम्मा मुझे दे दो, मैं अपना टंग खुद से ही क्लीन करूँगी। तो मैंने उसे दे दिया और देखिए कैसे अपना टंग क्लीन कर रही है, मिस खा रही है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपना होलिया चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही थोड़े ना रहेंगे। रियो को लेकर मैं आगे हूँ बालकनी में और उसको दिख गया है पेपर, तो बोलिए वहाँ पर जाने के लिए। चलो, मैं उसको वहाँ पर ले गई हूँ। अब फिर से उसकी मासी ने उसे ले लिया और मैं आ गई चाय पीने। चाय पीने के साथ साथ मैं अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ। बहुत लोगों ने विश किया है, स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देख के सबका। मैं रिप्लाई कर रही हूँ। यूट्यूब पे भी एक वीडियो डालना, सॉरी पिक्स लगाना था कि आज मेरा बर्थडे है, जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे विश किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो चाय मेरा ख़त्म हो गया है बट फ़ोन मेरा चलाना ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि सुबह सुबह कौन फ़ोन में घुस जाता है मेरी तरह। मैं भी ऐसे 1 घंटे तो मेरा लग ही जाता है फ़ोन में, अच्छे से फ़ोन वोन में ही मैं घुस रहती हूँ। उसके बाद रियो ने ले ली है शावर, इसके मासी इसको रेडी करेगी, तब तक मैं भी जाकर नहावा के फ्रेशन अप हो जाती हूँ। वो अभी सो गई हुई है और मैंने सोचा कि तब तक मैं आप लोग से कुछ बातें कर लूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मेरा है बर्थडे और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं प्लान किया। और मैं अपने पिछले वाले बर्थडे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि पिछले बर्थडे में मेरे हस्बैंड भी थे और मेरी फ्रेंड भी थे। अब मेरी फ्रेंड की शादी हो गई हुई है और मेरे हस्बैंड अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आए थे, तो ज़्यादा दिन वो रुक नहीं पाते, सो वह चले गए। और ऐसा लग रहा है मेरे इस साल का नंबर एकदम बोरिंग जाने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। बस मैंने सोचा है कि शाम में थोड़ा पिज्जा विज्जा मंगवाऊंगी, मे बी अगर ऑनलाइन घर पे पहुंचा दे तो। बाहर में किसी को नहीं भेजूंगी लाने के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि इस साल का बर्थडे ना मेरा एकदम बोरिंग जाने वाला है। सीरियसली देखिए क्या होता है। आज छोटी नहीं, यानी कि मेरी सिस्टर ने बोला है कि दी आज मैं ना तुमको अपने हाथों का बना हुआ गुलाब जामुन बनाकर खिलाऊंगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के, कुछ तो स्पेशल कर रही है मेरे लिए, एटलीस्ट मिठाई भी तो बना रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि गुलाब जामुन का प्रोसेस कहाँ तक गया है। और यहाँ पे कर देती हूँ लाइट ऑफ। वाह, तुम्हें सिस्टर बना रही मेरे लिए सीरियसली गुलाब जामुन, डो तैयार कर रही है। और यहाँ पे वह उसको राउंड राउंड करके दिखा रही है कि देखो कितना अच्छा राउंड हो गया। तो उसने गुलाब जामुन तैयार कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं एंड कुछ चाशनी में तैर रहे हैं जिसे मैं खाने वाली हूँ, और कुछ टूट भी चुके हैं। दोपहर में हम लोगों ने खाया था बिरयानी। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी छत पे और साथ में आई है रियो। आजा रियो, आजा आजा आजा, इधर आ, इधर आ, इधर आओ। तो हम दोनों आगे हुए छत पे, मेरे सिस्टर नीचे है, वह नहीं आई है, पता नहीं क्यों। मैंने बोला है कि चलो बट डेली आती है, आज नहीं आई है।
तो अभी फ़िलहाल मैं और बेबी ही हूँ और हम लोग डेली शाम में छत पे आ जाते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है शाम में जो नेचुरल हवा मिलती है ना, और पूरा छत भी रहता है बेबी के लिए। देखिए वो क्या कर रही है, क्या कर रही हो छोरो? तुलसी के पत्ते को तोड़ रही है। छोरो छोरो इधर आ जाओ, इधर इधर आ। तो डेली हम लोग शाम में आ जाते हैं और बेबी भी पूरा एंजॉय करती है, पूरा पूरे छत पे अपने वॉकर को लेकर दौड़ते रहती है और इसको भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। घर से बाहर आती है तो इसको भी अच्छा फील होता है क्योंकि कहीं और बाहर तो हम लोग जा नहीं पाते। और देखिए पीछे पीछे मेरे वो भी आ रही है। आज का दिन मेरा ऐसे ही अभी तक तो स्पेंड ऐसे हुआ है नॉर्मल डे की तरह, मतलब कुछ स्पेशल वाली फीलिंग्स नहीं आई है। आज मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ अपने, मैं अपने हर बर्थडे पे मंदिर जाती थी बट इस ईयर नहीं जा पाई हूँ, घर में ही पूजा वगैरह अपना कर ली हूँ। तो देखिए अभी रियो खेल रही है, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बैठ गई हूँ और रियो अब भी खेल रही हूँ। वहाँ पे कुछ कपड़े टांगे हुए फैलाए हुए तो वो उसको खींच रही और मैं आपको एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो आप, क्यों खींच रहे हो उसको? क्या है क्या है क्या है रियो, अटेंशन नहीं मिलेगा आज मम्मा को? अब अंधेरा होने लगा है तो मैं और रियो जा रहे नीचे। हे फ्रेंड्स, तो मैंने पिज्जा के लिए ऑर्डर दे दिया हुआ है और होम डिलीवरी कर रहे हैं यानी कि मेरे घर पे आ जाएगा। और मैं जब नीचे आई तो यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे सिस्टर के दिमाग में भी ये सब आइडिया आ सकता है क्योंकि उसको सरप्राइजेज देना बिल्कुल भी नहीं आता है और आज वही सब कर रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, बोलिए ना। तो फ्रेंड्स यह देख के काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसे करेंगे। केक वेक भी शायद आ गया हुआ है। सो ये सब देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे, शायद इसलिए वे लोग ऊपर में नहीं गए। काफ़ी अच्छा लग रहा देख के। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि इस होलिया में तो केक कट नहीं करने वाली हूँ और हमारा पिज्जा भी आता होगा। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ अपने रेडी होने के बाद। अब मैं कर रही हूँ अपने केक को ओपन। मैंने अभी तक देखा भी नहीं कि मेरा केक कैसा है। ए मेरा फेवरेट केक है पता है ये वाला, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे कैंडल जला रही हूँ और आप लोग देखो आप लोग कितना ज़्यादा भी हंसी आने वाला है। आया ना हंसी। मैं यहाँ पे सबको बोल रही हूँ कि आज मेरे साथ पिक्स क्लिक करवाओ। वो लोग जब तक आ रहे हैं तब तक कैंडल बुझ गया हुआ है और अब मैं करने वाली हूँ केक को कट। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ केक को कट और सब लोग यहाँ पे क्लैपिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरी रियो पूरा जोश में देखो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, पूरा क्लैपिंग कर रही है। इसको देख के सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। ये रहा हम लोगों का पिज्जा जो हो चुका था पूरा ठंडा, तो मैंने इसको घर में ही गर्म कर लिया। अब हम लोग इस पर टूटने वाले हैं। एक्चुअली बहुत दिन बाद मैं बाहर का पिज्जा खा रही हूँ, बहुत दिन बाद हम लोग पिज्जा खा रहे हैं और यहाँ पे सॉस का पैकेट चबा रही है। अब हम लोग खाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड। अब हम लोग पी रहे अपना अपना फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स। अब कर रहे दोनों मासी और भांजी मस्ती कर रहे हैं। ऐसे रियो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसका सो आवाज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हमने सोचा था कि पोज मार ले। सो गाइस अब मेरा पार्टी होता है ओवर। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं पार्टी को सेलिब्रेट करूँगी बट मेरी सिस्टर ने केक वगैरह मंगा दिया, मेरे को पता भी नहीं था, उन लोगों ने तब सारे रूम को डेकोरेट कर लिया। सो गाइस काफ़ी अच्छा लगा मुझे और सबके सामने मैं अपनी सिस्टर को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिसने मेरे लिए इतना सोचा और मेरा बर्थडे को स्पेशल बनाया। थैंक यू सो मच छोटी, अगर तुम देख रही होगी तो थैंक यू सो मच।
और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यह वाला मेरा पॉपर जो होता है मेरा भाई लाया था, बट हम लोगों ने इसको भूल ही गया उस टाइम पे, मतलब भूल ही गया एकदम, दिमाग से निकल गया कि अच्छा इसको भी उड़ाना है। तो यह था मेरे आज का शौक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।